सो फाइनली जिसका वेट था वो हो रहा है, निकल गया हूँ मैं एडवेंचर राइड पे। 2 साल के बाद कोई ढंग की राइड होने वाली है, सो यस प्रीटी एक्साइटेड फॉर दैट। आई एम ऑन टाइम, 4 बजे हमने मिलना था एंड हार्डली इट्स गोना टेक मी 3-4 मिनट्स। बाकी देखते हैं कैसा रहता है, सबसे मिलते हैं 4:30 बजे, हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और बाकी 6 बजे के आसपास, 6:30 के आसपास विल रीच पठानकोट, देन अनदर राइडर इज ज्वाइनिंग ओवर देयर, और फिर उसके आगे। तो चलो जी, बाकी मिलते हैं पहाड़ों में और बीच में जहाँ जहाँ अच्छे नज़ारे आएंगे वहाँ पे। सो हाँ जी, एवरीबडी इज हेयर, निकलने की तैयारी हो रही है, सारे बंदे अपने रेडी ने, सारे बाइक्स रेडी ने, गुड गुड गुड। हाँ 4:30 तो ऊपर ही हो गया। हाँ जी गाइस, वेलकम बैक। पहाड़ हो गए हैं शुरू, थोड़े थोड़े फील आने शुरू हो गई है कि कहीं तो जा रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं। राइड बढ़िया चल रही है, सारे बंदे सही चल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन भी अच्छा है। तो मैं और जगदीप तो कनेक्टेड हैं ब्लूटूथ पे, तो हमारी राइड तो बहुत मस्त चल रही है एज यूजुअल। चलो गाइस मिलते हैं फिर बाद में, अभी थोड़ा कर्व्स का मज़ा लिया जाए। हाँ जी, पहुँच गए जी ब्रेकफास्ट के लिए, और शरण जी भी ब्लॉगिंग शुरू, उधर गौरव अपना लगा हुआ, आयुष भी किसी कोशिश में है कि कुछ करेगा, मानुष भी लगा हुआ है, मानुष ने भी अभी नया GoPro लिया है एंड ही इज प्रीटी हैप्पी। वो देखो ना, मतलब एक दूसरे की फुटेज ले रहे हो, और क्या फुटेज ही लेना बस, वो बंदा देख लो, वो देख आप, पता नहीं आप की करने की कोशिश करते पे साडे बंदे सानू समझ नहीं आ रहा। अप इन द माउंटेंस, ब्रेकफास्ट के बाद निकल लिए और काफ़ी डिस्टेंस कवर कर लिया, बीच में सड़क अच्छी थी। अभी फिर स्लो राइड कर रहे हैं और जगदीप पीछे है, उसको किसी से मिलना था बीच में, और बाकी राइडर्स हैं मेरे साथ, ऑलमोस्ट आधे बंदे हैं। अभी भी गर्मी है यार, बथेरी गर्मी है, बहुत ही बढ़िया रोड है भाई यहाँ पे, और मज़ा आ रहा है यहाँ पे चला के, और व्यू और भी बेटर हो रहा है, सामने पूरे पहाड़ दिख रहे हैं। और इस साइड में फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, पहले नहीं आया मैं कभी इस साइड, पीछे बनी खेत से ही डलहौजी वाली साइड को मुड़ जाता हूँ जब भी आता हूँ। सो यार दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, सड़क अभी तक अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, आगे जाके ख़राब होगी ये सुना है। बाकी यार बाइक चला के मज़ा आ रहा है यहाँ पे, जो मर्ज़ी कह लो फुल मज़े। सो अभी देखते हैं हम चंबा कितनी देर में पहुँचते हैं, आई थिंक 1-1.5 बजे तक पहुँच जाना चाहिए। ओके द ग्रुप इज़ हेयर री यूनाइटेड, गुड गुड। वो भी सोचना पड़ना केड़ी गल चलती पई सी। अच्छा तो गाइस आप सोच रहे होगे मैं अकेला बात बोले जा रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है, मैं और जगदीप बात कर रहे हैं और हमारा रास्ता ऐसे ही कटेगा। होटल की बात, अच्छा अंजू कुल नाम का होटल था, और जगदीप बोला कहता यार ये अंजलि लिख देता, कुछ लिख देता, आखिर हो गया मैं रुक रहा हूँ। फोन आया, आ जाओ आ जाओ। बढ़िया भाई का यार मीटियोर। हाँ जी, तो अपडेट ये है कि हमारे आधे बंदे एक डाइवर्जन से ऊपर वाले रास्ते पे निकल गए, बाकी हम लोग नीचे जा रहे हैं। तो ये है कि ऊपर वाला रास्ता ऑलमोस्ट 30 मिनट स्लो है, तो अभी उनको कॉल करा मैंने कि नीचे आ जाओ, इस रास्ते से जाना है। बट देन यही होता है, अगर आप जो बंदा लीड कर रहा है उससे आगे निकलोगे तो फिर यही है, या तो खुद स्मार्ट बनो या फिर ओवर स्मार्टनेस छोड़ो, ऐसा है।
बाकी गर्मी यहाँ पे फिर से हो गया क्योंकि हम नीचे आ गए हैं काफ़ी, और यहाँ चमेरा डैम से हम लोग निकलेंगे। यू टर्न आ गया जी, यू टर्न, एकदम टाइट यू टर्न। ओह माय गॉड, गाड़ी बहुत तेज आ गई है। सो गाइस, हम पहुँच गए हैं यहाँ पे ओवर ब्रिज पे, नीचे आपको चमेरा लेक दिख रही है और यहाँ सब फोटो शूट हो रहा है। ये हमारे जगू भाई सब लगे हुए हैं फोटोज वोटोज के लिए। आ गया, मैं भी आ गया, चलो कोई गल नहीं। हाँ जी, हाउज इट गोइंग? मज़ा आ रहा है यार यहाँ पे। अभी तो मज़ा स्टार्ट हुआ, अभी तो मज़ा स्टार्ट हुआ है, सही बात है। पर अभी यहाँ गर्मी थी यार, काफ़ी गर्मी थी। अभी कुछ बंदे हमारे पीछे रह गए हैं इस रोड से, और ये सीन है, हवा बढ़िया चल रही है। ये सर हमारे साथ राइड कर रहे हैं, इज़ फ्रॉम केरला, बड़े यहीं पे पंजाब में अभी। सो वी आर अराउंड 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बैरागढ़। ओके बाय। ये बड़ा सही होता है, बाइकर्स राइडर्स इकट्ठे जा रहे होते हैं, सो पीपल वेव, इट्स अ नाइस फीलिंग, बढ़िया लगता है, प्राउड फील होता है। हाँ, ये भी बात है। जगदीप सिंह बैक एंड पे कमेंट्री ज़रूर देंगे, वेरी वेल अप्रिशिएटेड, कीप गोइंग जगू। बाकी ये सड़क थोड़ी सी रिस्की है, इस पर ज़्यादा स्पीड नहीं कर सकते क्योंकि सामने से ट्रक भी आ जाते हैं कभी कभी, एंड सड़क ट्रक जितनी चौड़ी है, तो मोड़ पे अगर कुछ आ जाए एंड अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो कंट्रोलिंग में प्रॉब्लम होगी, इसलिए स्पीड कम रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं 40 पे हूँ और 60 पे भी जाता हूँ तो भी 10-15 मिनट का फ़र्क पड़ेगा। सो या इट्स बेटर कि आप कंफर्ट जोन वाली स्पीड रखें। और पीछे सारे मतलब एक ही लाइन में आ रहे हैं, बढ़िया लग रहा है, पूरी राइड इकट्ठी चल रही है। सो गाइस, व्यू आपको लग रहा होगा देखा देखा सा। सो जब आप रामपुर के बाद आगे जाके किन्नौर एंटर करते हो, वहाँ पे भी ऐसा ही आपको दिखेगा, ऐसे पहाड़ दिखेंगे कटे कटे से, और सड़क भी ऑलमोस्ट ऐसी ही दिखेगी। सो यस, वैसा ही कुछ है यहाँ पे भी। फाइनली गाइस, मौसम हो गया बढ़िया, थोड़ा सा क्लाउडी क्लाउडी हो गया है, ठंडा ठंडा हो गया है। अभी हम रुकेंगे लंच के लिए, ऑफ रोडिंग हो रही है अच्छे से, पत्थर ही पत्थर है, बहुत ही ध्यान से जाना पड़ेगा। पर एक चीज़ यहाँ पे मैंने नोट करी है कि जो अपना हैवी व्हीकल ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर, आपको साइड दे देते हैं, मतलब दे आर क्वाइट सेंसिबल हेयर, रिस्पेक्ट है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। लग रही है भूख, टाइम हो गया 1:50, अब हम आगे रुकेंगे खाने के लिए, और हमारी टोटल डेस्टिनेशन रह गई 34 किलोमीटर। फाइनली हमारे स्टिकर लग चुके हैं यहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट फुल हो रही है, एंड दिस इज द व्यू, मज़ेदार। चल देखो की बन गया। डलहौजी वाली फील आ रही है, डलहौजी वाली फील, पता नहीं कितनी देर रुकना पड़ेगा। आदत
पता नहीं आ गई है इतने साला ट्रैक्टर जहा लगा। चलो 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 वो हवा मारता यार। फाइनली पक्की सड़क बैक करके नहीं 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 पिछे नू नहीं लाने तलाना इधर नहीं लाओ। सो गाइज वी हैव रीच्ड ओ सॉरी सॉरी आई एम वेरी सॉरी होटल सच पास सही टाइम पे पहुंच गए सारे जने। स्पेशली कल का डे यार भाई दे नाल होएगा भाई का बर्थडे भाई का बर्थडे और बर्थडे चाहे सोला के ना होवे या सच पर के ना बोलते नहीं बैकर बस नहीं नहीं आपस स्पेशल सेलिब्रेट करेंगे नाल बर्थडे पक्की गल है पक्की गल और मेरा ब्लॉग बनेगा अलग है ये भाई बस बर्फ नो नो फाइनली बैक इन द रूम कमरे में आ गए वापसी बंदे साडे बैठे थे बस चिल्ड और अभी अभी सीन ऐसा है कि वीडियो की एंडिंग गुरशरण के लिए अभी मैंने करी है इसके गोप्रो से ठीक है थैंक्स टू हिम। हां अभी मैं अपने व्लॉग की एंड कर रहा हूं सेम तरीके से ये शायद कल सुबह हमने 6 बजे निकलना है ठीक है कल हमने सच पास कवर करना है कल हमने उदयपुर रुकना है हमने पानी से निकलना है बर्फ आएगी और आयुष बाइक बाइक सब को मेन बाइक चलानी है हां और बारिश बारिश भी है ना। और हाँ मेन चीज ये है कि बंदे हम लोग जा रहे हैं बेड दो के लिए भी और लगेगा फिर हम सो पाएंगे लगे क्लियर हो गए लगे देखो कितना है सामान देखो ऐसे मतलब दहेज बिखेर रखा है अभी खुला करता और क्या अभी आधा सामान ना यहाँ से बाहर पड़ा ओके आई विल शो यू थोड़ा यहाँ पे है थोड़ा अंदर है और थोड़ा इस दरवाजे के बाहर है तो पैकिंग पता नहीं कदों होनी है इतना पता सवेरे 6 बजे निकलना है 6 बजे निकलना शार्प 6 बजे बिल्कुल बिल्कुल वी हैव टू और निकल जाएंगे भाई ऐसा ही सीन क्या करें अभी लीड तो करना ही है। चलो जी मिलते हैं सुबह ओके फॉर द डे बाय सी या।